तो अगर आपका मान लो एक तरीके से मुख्य वार है ना कोई, अगर कोई बहुत बड़ा युद्ध है तो उसके पहले छोटे छोटे युद्ध जीतने पड़ते हैं। चाणक्य की वो बात हमेशा ध्यान रखना, चाणक्य ने गलती क्या की थी, हमेशा से वो जो है ठीक है जाके बीच में पहली बार अटैक मारा, धनानंद पे एकदम बीच में अटैक मारा, उसको मुंह की खानी पड़ी। तो जब चाणक्य जो है जंगलों के थ्रू भाग रहे थे, तो वो एक घर के बगल से गुजरे और घर में एक बच्चा जो है वो खिचड़ी खा रहा था, ठीक है, और गर्म खिचड़ी उसने उठाई और उसका मुंह जल गया। तो उसकी माँ उसको बोलती है, क्या बोलती है बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त बात है, बोलती है कि तू भी चाणक्य की तरह गधा है, तू भी वही काम कर रहा है जो चाणक्य ने किया है, बीच के परिधि से तू खा रहा है, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है, तू परिधि से खा, साइड से खा, खिचड़ी खानी है तो तुम साइड से खाओ, ठंडा करके खाओ और फिर तुम पूरी खिचड़ी खा पाओगे। चाणक्य को ये बात समझ में आ गई और जाके उस माता के चरणों में वो गिरे और उन्होंने कहा कि आपने मुझे वो ज्ञान दिया जो शायद मैं अब तक नहीं समझ पाया था। और फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा, एक कम उम्र के बच्चे में एक शासक को देखा और धीरे 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 साइड के जितने भी एरियाज थे उन सभी को उन्होंने जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त की और तब वो पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य स्थापित कर पाए। आपके साथ भी यही स्टोरी है, एक ही बार चले जाते हो फाइट करने सीजीएल के पेपर में, मत जाया करो इसे फाइट करने, ठीक है। अब छोटे छोटे आपके लिए युद्ध क्या क्या है, तो आपके लिए छोटे युद्ध क्या है वो बड़े ध्यान से समझिए। आपका छोटा युद्ध सबसे पहला आपका मॉक टेस्ट है, ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा जो है मॉक टेस्ट के अलावा क्या है, तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, कोई भी एक किताब पकड़िए, कोई भी एक किताब मैथ्स की हो, कोई भी किताब इंग्लिश की हो, कोई भी एक किताब रीजनिंग की हो, उसको पकड़िए और उस पर लगातार बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर दीजिए। जब सवालों पे बहुत तगड़ा आपका प्रैक्टिस होगा ना, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका आपका पेपर निकालने से रोक सकती है। ये दो बातों पे सबसे ज्यादा फोकस। यार देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की और अच्छा करने की और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।